मेरा गप्पे तो खाली है, मेरा तो खाओ मेरे, पियो ऐश करो, मतलब मेरा तो दिमाग में बस गोलगप्पे चल रहे थे। The first time we met was around 6 years ago, but I guess we didn't even exchange numbers or nothing of that sort happened. It was just a casual meeting. Neither I had something in my mind that I'm going to approach her, neither there was something from her end as well. Then like 2 years back, he started flirting with me. Randomly, ऐसे 2 साल पहले type, उसका message आता है ऐसे random flirting type का, ऐसे कि 3 साल हो गए क्या? तो 3 साल पहले ऐसे मैसेज टाइप का आता है, तो मुझे लगा मेरे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि फिर मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। टिल 15th को आई प्रपोज टू हर, बेसिकली इट वाज ओवर अ कॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई वाज इन भोपाल एंड शी वाज इन गुड़गांव आई गेस। भी मतलब मुझे कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं इसको ये बात बताऊं या नहीं, छोड़ रहने देती हूँ, मतलब चाहे रिलेशनशिप में हूँ, इवन अगर मुझे किसी पे मान लो क्रश भी आ रहा है, मैं इसको बता सकती हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ भी बात कर सकती हूँ मैं से। मेरे थॉट्स क्या थे यार, मुझे तो कोई थॉट ही नहीं आ रहा था एक्चुअली यार, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को तो ये था कि बस मुझे दिख गया ये, हाँ चलो ठीक है अब हो रही है, अभी आ गया, अब हमारी जल्दी जल्दी शादी हो जाए। मतलब मेरा तो ये था कि बस अब जल्दी जल्दी शादी हो जाए मेरी इससे, मेरे को तो मतलब करनी थी शादी इससे। मेरा बड़ा दिनों से मन था, मतलब आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली आ गया ये दिन। मतलब फील करो, नहीं रोएगी क्या? I was very happy, मतलब तेरे कदमां च रख दे सामानी तेरे जिया होर दिसदा नहीं, तेरे जिया होर दिसदा। ये बहुत मैच्योर लड़का है और मैं हूँ, मतलब मेरे को चाहिए कि हाँ कोई होना चाहिए, मतलब मेरे लिए गूगल है, मेरे लिए पूरा मेरा चलता फिरता गूगल साथ में चलता है मेरे। सो फॉर मी 3 instances are quite similar. First, when I saw her for the first time, when I had come to Gurgaon. Second was when she had entered during our engagement last year. And the third one was when she had entered for the Jaimala this time around. For all 3 of them, I had butterflies in my stomach. It is like seeing her for the first time and falling in love all over again. It's not just a marriage of 2 people, it's a marriage of the both the families as well. So the way she reciprocated when it came to parenthood and understanding how our parents are and how adjusting she was on all those issues, those were a few thoughts that really triggered me that yeah, I have to get this girl, I can't let her go. Tere jaya hor disda
And normally I'm not very emotional kind of a person. I keep my emotions to myself. I'm quite reserved and quite strong. So I, throughout my life, whenever I left home, I've never cried. I've never gone through all that. But for the first time, when I left her, I felt that I'm leaving something behind. I felt that, why am I going back? Is this job so important? Why can't I move to Gurgaon? Due to this specific reason, that I decided that I'll leave PNG and I'll move to a company where both of us can be located to the same city. And that's why, that's the main reason why I moved to Amazon, so that both of us can stay together. मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं आने वाला, ये मेरे लाइफ बिल्कुल वही रखेगा. अब जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही रहने वाली हूँ. मतलब मैं घर वालों से दूर रहूंगी, कुछ होगा, मतलब मुझे कोई लोड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यही है. जैसे मैं आंटी को कह रहा था, जब आंटी रो रही थी, मैं बोला आंटी जितने दिन गुड़गांव से आती थी ना, उससे ज्यादा दिन आएगी, मेरी गारंटी है, मुझे भी थोड़ा चैन चाहिए. कंफर्टेबल हूँ ना मैं इसके साथ, मुझे कोई लोड ही नहीं है अब लाइफ में. मतलब आई एम वेरी हैप्पी, रिलैक्स्ड, कंटेंट. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? अरे मैं तो सबके साथ ऐसे तारीफ ही करे जा रही हूँ. आई एम सो 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 ग्लैड कि वी चूज यू. मतलब थैंक यू चाची जी. मतलब सच में यार, मतलब इतना प्यारा एक्सपीरियंस. अभी सुबह मम्मी यही बोल रही थी. मैंने, मम्मी कहती हैं कि हल्का सा भी इतनी सी परेशानी नहीं हुई. मतलब अगर ऐसा होता है ना कि जैसे कोई शॉट भी लेना है, कोई सामने आ गया, तो आप लोग ही अपना एंगल चेंज कर लेते, आपने किसी को डिस्टर्ब मतलब इतना से इधर भी नहीं किया. मतलब इट वाज सो 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 ग्रेट एक्सपीरियंस. मतलब कुणाल सच में हमेशा के लिए, अब कुछ भी फंक्शन होगा ना, अब तो हमेशा मैं आपको ही बुलाऊंगी. अपने सारे दोस्तों को भी यही बोलूंगी. अनदर एग्जांपल दैट शी वाज गिविंग रिगार्डिंग यू गाइस वाज द फैक्ट दैट मैं पूछ रहा था, मैं बोला इतना अच्छा क्या था. तो बोलती है कि अगर मम्मी ने कभी फोन मिलाया ना कि कुणाल, तो बोलते कुणाल पीछे ही खड़ा हुआ है. बोलते कि ऐसा हुआ ही नहीं कि हमें वेट करना पड़े या ढूंढना पड़े, कोई ना कोई टीम में से इज राइट देयर, समबडी इज ऑलवेज देयर. नहीं सच में कुणाल, वी वर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बहुत अच्छा. गाड़ी वाला फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल. अरे तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल.